अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ फरहान वर्ल्ड। और आज सीन कुछ यूँ है कि आज सुबह से नहुसत छाई हुई है, पूरी रात आपका भाई सोने की कोशिश करता रहा, एक लम्हा आँख नहीं लगी। उसके बाद जैसे ही मैं सो के आया, ऊपर पहुँचा नाश्ता करने के लिए, मैंने फैसल को बोला नाश्ते का, उसके बाद मुझे रिपोर्ट मिली। फैसल कहता है, फारी भाई आपका बाइक तो पंचर हुआ हुआ है। सोचें आप, यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो और आगे से आपको ये खबर मिल जाए आपका बाइक पंचर हुआ। मैंने कहा जाओ भाई फिर पंचर लगवा के आओ। पंचर वाले के पास गया, वही कहानी जो हर घर की कहानी और हर जवान की कहानी होती है, पायन ट्यूब पेगी ऐसे पंचर होएगा, ओ सॉरी पंचर नहीं लगेगा, ट्यूब न भी पेगी। एंड माई रिएक्शन वॉज लाइक कंगला कर देगा मुझे। खैर पेंचर शेंचर वो लगवाने के लिए, फिर इतनी देर में मैं चाय जो है मैंने उसका थोड़ा टेक ओवर ले लिया, तो अंडे बॉयल हुए थे, मैंने नमक डालने के लिए नमक वाला वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, जो भी होता है उसका ढक्कन मैंने उठाया तो आके वो मेरे हाथ से छुटा, मेरे पाँव पर गिर गया। तो अ लॉट ऑफ नहुसत इज गोइंग ऑन, बट खैर आपको पता है चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं, तो कर रहे हैं। आज जा रहे हैं जी हमजा वापस दुबई, और हमजा ने अपनी भी काढ़ी 48 डेज बाद वापस की, और शहरी आज मालिश भी कर रहा है इधर की। हमजा जा रहा है तो जैसे उधर के हाथ बांध के फिर गया। यार चगू क्या हो गया दोस्त ने यार? कैमरा वजन बंद करें। नहीं जी कुछ मसला ही नहीं है जी, चेक करें। आज मैंने चौक में बैठ के मैंने मसाज बुला रहे हैं। सीन्स कुछ यूँ है कि आज का व्लॉग थोड़ा सा सैड होने वाला है, क्योंकि हमजा जा रहा है वापस दुबई। तो हम लोग यहाँ से कमिटमेंट ये करके जाते होते हैं हमेशा जब उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं कि कोई भी नहीं रोएगा, इसी ने भी रोना नहीं, क्योंकि 3 साल के लिए जब कोई चला जाता है वैसे ही अंदर से ही आपके सेंटिमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, आपको रोना आ जाता है। तो हमने ये अपने अहद करके जाते हैं कि नहीं रोएगा कोई, लेकिन जब वो जा रहा होता है सब कुछ फिट होता है। जब वो ऑन बोर्ड होने के लिए पहुँचता है, जैसे ही वो डिपार्चर के अंदर घुस रहा होता है ना, एट दैट मोमेंट सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर तो अभी उसको छोड़ना छोड़ना, अभी वो घर वालों को मिलने के लिए गया हुआ, अभी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी से मिठाई शिठाई ये वो लॉट ऑफ काम कर करके, मैंने कहा चलो कुछ खा पी लेता हूँ मैं भी इतनी देर में। वो ज़रा अपने दूसरे घर गया तो वहाँ से वो होके आएगा, छग्गू हैदर बट और राजा हनी वो लोग हमजा के घर पहुँच चुके हैं, और अभी हम भी वहाँ जाएंगे। बस हमजा आएगा तो हमजा मुझे पिक करके यहाँ से वहाँ निकल जाएंगे हम लोग। तो अभी खाना शाना खाते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं और बाकी किसी हम आपको दिखाते हैं। और चक्कर कुछ यूँ है कि आज हमजा जा रहा है दुबई वापस, उसकी दुबई की फ़्लाइट है, एंड सीन्स बहुत सैड से होंगे आपको मैंने जिस तरह पहले बताया। तो अभी जा रहे हैं हम हमजा को पिक करने के लिए, और हमजा के साथ पूरी खुस्तो फैमिली है, मतलब कि दी बॉयज़ वाली, और वो भी सारे साथ हैं। तो हमजा अभी तक सोया हुआ है, अभी मुझे रिपोर्ट मिली है कि हमजा सोया हुआ है। मैं मेहरान पर जा नहीं सकता था तो दूसरी वाली ली, तो हमजा जी सो गए, उनको नींद आई। सो दैट हाँ जी स्टोरी इज दिस के अब हमजा को जाके जगाना है, उसको बिठाना है और लेके निकलना है। 5 बज चुके हैं, 7 बजे उसको बोर्डिंग कराना है हमने, और अभी 5 बज चुके हैं, जाके उसको चन्ने छंडे मारते हैं, वो हैदर को भेजते हैं कि जाके उठाए और फिर हम निकलने की तैयारी करें। तो आपको हम मिलते हैं अब रास्ते में। पता है कि कहाँ रहता है शकरियाल के, बहुत अंदरूनी शकरियाल रहता है। तो अभी हम ये साथ हमारे साथ जना कैंप है, और ये हम जा रहे हैं उनकी पतली पतली गलियों में शकरियाल। आप भी चेक करें, मुजाहरा करें, दो गाड़ियां अगर साथ से गुजर जाएं तो दरमियान में साले निकाह की जगह बचती है, अगर इंसान गुजरना चाहे तो। अब गाड़ी के साथ करना है इंसान में निकाह तो आ जाए जरूर दो गाड़ियों के दरमियान। ये चाचू भी कब्जा मार के आए हैं, कब्जा माफिया से हैं। ये हमजा का वेट हो रहा है जी, हमजा अंदर, सबकी नींदों से हालत ख़राब हुई हुई है। इसने भी सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, इसने भी सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। ये तो बेचारा रज़ा इलाही से वफात पा गया। ये जो है ना शख्स, ये तो इसका ये जगरातों के लिए ही बना, इस बेचारे को भी नींद आई है, नींद भी आई है। ओ अच्छा डैड नींद आई है। अच्छा अगर कभी जानते हैं आप ये सूबी जी हैं। इतनी मशक्कत करने के बाद शहरी को 48 डेज हमदा मिनते करता रहा इसकी कि यार ब्रेक डांस दिखा दे, आज फाइनली वो दिखाने लगे और आपको भी चेक कराते हैं। रुके जी मेरी गाना वो उसका स्पीकर है यार, ये काइंडली लाइट ऑन करना भाई। नाम बताना। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट परफेक्ट। उसकी आवाज थोड़ी कम है तो हम इधर शिफ्ट हो रहे हैं बड़े एम्प के ऊपर। शाबाश शाबाश। अब का पाछे फ्रंट ऑन द बैक ऑन
चलो जी गाना लग गया जी कॉन्फ्लिक्ट भाई की अपनी प्लेलिस्ट है यार उसकी साढ़े पांच बजे ये आप देखें किस लिए इसमें 48 दिन मिलते गए हैं शर्म नहीं आई इसको इंटेंसिटी ऑफ स्लीपिंग मार रहे राजा केस बड़ा सीरियस हो गया कह रहा है मैं अबू धाबी जाने से पहले पहले एक मील पाकिस्तान में खा के जाऊंगा लास्ट मील ऑफ द पाकिस्तान तो वो ही ना आगे जी हमजा तैयार होके मॉडल बन के आ गए ये क्या बात है हमजा भाई आपकी तो मॉडलिंग भी जा रहे हो क्या आउटफिटर्स वालों का ऐड शेड करने लगे हो दिखाता हूँ मैं मजदूर सामान लेके आ रहे होंगे ऊपर से मजदूर आ रहे हैं मैंने आपको बोला है ना ये मेरे दोस्तों से मैं बहुत अच्छा वाकिफ हूँ लाश लेके आ रहे हो लेओ 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 शरी जी गुड गुड इसके अंदर एक बंदा मैं कहता हूँ इसके अंदर डाल देते लोड कर यार मैं तो कह रहा हूँ इसी तरह डिक्की खुली रहने दे हम सामान की हिफाजत करेंगे ठीक है बैठना है किसी ने पीछे बैठ जाए मुझे मसला नहीं है बैग पीछे कर देंगे ठीक है तू आ जाएगा तूने बैठना है इधर कंफर्म कर जी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमजा के आने का आधा कोई सोया हुआ है आधा कोई उठा हुआ है किसी का फैसला कर रहे हैं ना करो करो फैसला करो आ गया हमारा शहजादा सेंटी हुआ है थोड़ा सा बहन का चेक करें नीचे से ये सलमान खान ऊपर से आते आते ये जैकी श्रॉफ हो गया इस टाइम ये पैकी श्रॉफ यार मेरा आईओएस 17 तक गया पहले बैटरी सर्विस पे आ गई मजा आ गया अब खैर दुबई से जाके कराना 85 थी अभी आईओएस 17 की है 79 आ गई तो बग होगा अगले अगले उस पे सेट हो जाएगा ये इसमें ये मिलियंस ऑफ रुपीस लेके जा रहा है वहाँ जाके दरम में एक्सचेंज कराएगा पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत फिट होगी 600 दरम में 1 रुपए के बराबर होगी थैंक यू जी वॉलेट भी आ गया जी हमारे सफर का आगाज हो चुका है जी सफर का आगाज मतलब इख्तिताम और आगाज दोनों बराबर है क्योंकि अभी हम लोग स्टिंग पियेंगे मतलब आखिरी आखिरी स्टिंग इसको हम पाकिस्तान में पिलाएंगे चेहरा तो इसका नहीं है पीने वाला फिर भी तर्स खा लिया हमने इसके ऊपर शर्ट अच्छी पहनी है इसने तो ये है कि चलो पिला दें फिर पिला देते हैं शर्ट अच्छी पहनी भी है इस वजह से पिला उसको जो स्टिंग पिला रहे हैं वरना डिजर्व नहीं करता यार लड़के यार ये देख ये इधर फोन की किस करा रहे हैं जय देखो अभी फिर से करते हैं फिर से खुद नहीं उसको यार मैं कहता हूँ भाई जी आप तो फुल आईफोन यूजर हैं ना 70 बैटरी आपकी मैंने सुना सर्विस पे चली गई है अभी अपडेट करते ही आईओएस 17 आपको भारी पड़ गया खैर ये तो अभी हम डबल रोड पे हैं अभी यहाँ से हम निकलेंगे अब आपको मिलेंगे हम एयरपोर्ट के अंदर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज ये चेक करें जी बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ दुबई ठीक है एक बेचारा आया है छोड़ो जी बाबर आजम से देखिए अब इनको सीट नहीं मिल रही थी ये सीट जो है ये बन गया
वेरी गुड वेरी गुड शेरी ये इस ब्रेक बेवजह लड़ रहे हैं कोई वजह नहीं है लड़ने के लेकिन लड़ रहे हैं क्योंकि लड़ना तो है ये बड़ा नहीं हो रहा ये छोटा ही रह गया हमदा जा रहा है जी और हम इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे दफा हो जाए तेरे से पाकिस्तान से नमक आराम मुझे लग रहा है सारे ही बाहर जा रहे हैं सब पाकिस्तान इधर आ गए ये डिपार्चर है ना ठीक है हमदा ओके भाई आप यहाँ से जाओ अल्लाह क्या औकात है इसकी दुनिया का सबसे थका हुआ पासपोर्ट है ये वो फाड़ा होता है वीडियो में देखा है ना रात गालियां देता है वो तेरे कैसे किधर बैठा होता है यूके यूके होता है किधर होता है तू दुबई में पासपोर्ट नहीं फाड़ सकता नहीं वापस यहां आएंगे आपके पास है नहीं यार मैंने बनवाया नहीं बुढ़ा हो गया बेचारा कमाता कमाता खाली पासपोर्ट लेके फिर जा रहा है चलो अंदर चला गया जी अंदर मतलब के चेक इन कराने के लिए अंदर चला गया और अभी हम लोग उसकी कॉल का वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का ऑल गुड है सब अच्छे हुए हुए हैं ये जो है मनोज शक्ल वाला इसको टेंशन ही नहीं है कह रहे आवे जावे जो मर्जी दुनिया जान का काम हो इसको ये कहता दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं बट जी इसका कोई इलाज करो इसकी तो शक्ल बिल्कुल हार्टलेस बंदा है बहन जी क्या करें इसका स्टोन हार्टेड तो इसको CPR दिया जाए बाप देखें वो अब कह रहे हैं कॉल भी आ जाएगी वो इस हद तक गिर चुका है जब तक उसकी कंफर्मेशन कॉल आती है हमने सोचा है हम लोग क्यों ना ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थोड़े एस्थेटिक्स देख लें ये सामने रनवे है हनी ये यहाँ से कहाँ जाता है जहाज जहाज दुबई नहीं जाता दुबई वाले सेट नहीं जाते उनकी ट्रेन चलती है उधर नहीं यार ये मेरा दिल है कि दुबई जाए दुबई चले ये है इनके यहाँ के एस्थेटिक्स इतने से कहाँ पे होती है जी एयरपोर्ट चल रहे है किसी ये इतनी सी फिल्म है इस एयरपोर्ट कहाँ जा रहे हैं जी हम लोग डिस्कवर करने के लिए अभी हम जहाज थोड़ा पास है जिंदगी में कभी जहाज देखा ही नहीं बहुत देखे हैं पीछे आ रहे हैं ये मेंटली जहाज है हमें फिजिकली जहाज देखने का आए मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा यहाँ से आ गया ना हमारी ये इधर से आगे मेरे बेटे मुझे जाने नहीं देते किधर से आगे ये जो मेरे बेटे खड़े हैं नहीं जी मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा दूर दूर तक कहाँ है यहाँ से लैंड हुए ना जी आपने देखे नहीं आप इधर हो ना तो सिनेमैटिक्स बना लेना जब धुआंधार कमेटी कर दी थी धुआंधार कमेटी ये बन ऐसे ये कि जहाज पे धुआं मार के ऐसे करके ट्रस्ट
फ्रिक्शन टायर और रोड सर नॉलेज भी चलता रहना चाहिए। हम लोग वैसे मैं फिजिशियंस भी हैं थोड़े कम तो बैठने की कभी नहीं तो देख देख ये बहुत गौर से कुछ क्या क्या नजर आया भाई मैं बस अब बस चेक करें जी पार्किंग का एरियल व्यू। खैर हमने भेज दिया उसको पिछली बार बड़े सेंटी हो गए थे सारे ये मेरे जितने भी दोस्त हैं बटा जी आंखों से टप टप आंसू गिरा रहे थे लेकिन इस दफा कोई सेंटी नहीं हुआ देखें सबके चेहरों पे स्माइल है सब कह रहे हैं जान छोड़ के गया पता है अब हम लोगों को दुख कंट्रोल करना आ गया यार बस फिर आपको पता है जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है इंसान को जी आप पता है थोड़ी वो पता ही है जी अब सबने जाना ही है ना जाए एक दिन तो जाना ही जाना यहाँ से जाए या वहाँ से जाए मतलब कि इधर से इस बेटे की साल सक्सेसफुल वो सब अच्छा हो चुका है उसको और वो बोर्ड होने के लिए चला गया जी पार हो गया मैं वो चेक इन कर चुका है तो अभी हम चेक इन का वेट कर रहे थे कि क्लियर हो जाए चेक इन कर चुका है चेकिंग कर लिया उसने उस ड्यूटी का सिविल सर्विसेज बस समझे उसको हम ड्यूटी में छोड़ के अभी ये तो खड़े हो गया ना थोड़ी चेकिंग शिपिंग करेगा दो चार लोगों की चेकिंग करेगा अपनी नहीं कराएगा नहीं बस हमारी दुआ है कि हमारा बाइक है फिर से पहुंच जाए आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रहा फर्क हुआ हमजा को छोड़ दिया जी और अभी हम बगैर तो यूनिवर्सिटी जाएंगे 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में क्लासेस हैं तो बस अभी इनको ड्रॉप करते हैं फिर यूनिवर्सिटी में जाके आपको ना अपने बच्चों को ड्रॉप करने के बाद आपका भाई यूनिवर्सिटी पहुंच गया और यूनिवर्सिटी के अंदर आते ही जानी जी ने मेरे लिए इतनी प्यारी और इतनी हेल्पफुल हरकत की है फॉर्म फिल करके रखा हुआ फारी जी सब अच्छा अभी आपका भाई ज़रा फॉर्म फिल कर रहा है फिर आप थोड़ी देर तक मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी क्लास हुई और क्लास में एकदम हमारा दोस्त सनौला आया और सनौला ने कराई कटिंग एंड ही इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड डिसेंट गाय चेक करो बच्चा लग रहा हूँ सेमेस्टर वाले नहीं इधर देख थोड़ा सा इधर हल्का सा मेरे सामने मुंह कर लख लाना था क्या किया तूने यार मैंने कहा थोड़ा एक्सीडेंट करा नहीं नहीं प्यारा लग रहा है डिसेंट लग रहा है हां अभी फर्स्ट सेमेस्टर क्लासों की कहानी है ये जी हमारी मुंह कर अभी हम जाएंगे घर और घर जाके सोएंगे कुत्ते बिल्ले बेच के तो अब आपको मिलते हैं हम घर के अंदर अल्लाह हाफिज़।